हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गाइस, सुबह मैंने जोत तो कर ली है, अब मैं कर रही हूँ रोटियों की तैयारी, आटा लगा रही हूँ। और बेटी मेरी यहीं पे बैठी हुई है, ये रुसी हुई है, ये बोल रही मैं भुआजी के जाऊँगी। ये भुआजी के जाने के लिए बोल रही है क्योंकि 4 दिन की छुट्टी है, इसके लिए भगी जाएगी, भगी आएगी। कैसे फ़ायदा, क्या फ़ायदा? फिर मैंने बोली 1 महीने की छुट्टी पड़े तब चला जाइए, नहीं अभी जाना है। दोनों पापा बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये क्रिकेटर देखो क्रिकेट खेल रहा है सुबह पहले, दोनों पापा बेटे। है ना बेटे, बाबो के कर रहा है, धार लगा रहे हैं ना फरसों के, बाकड़ी भी दिया अपनी, धार लगा दे कुछ। गोलू जाइए, हैप्पी ओ हैप्पी, अपनी बाकड़ी पकड़ा दे बाबा, धार लगा दे। अतर पापा से बोल दो ऊपर एक बांकड़ी और तार ले, मुकुट लगवा ले। तो गाइस, खेत में से आपके क्या डाकड़े करते हैं, ये रील कर रहे हैं, अपना शॉर्ट बनाने का टाइम हो चुका है, तो बनाएंगे शॉर्ट। कितन क्या कर रहा है, अभी तक नहाया नहीं है तू? मैं नहीं नहाता। क्यों नहीं नहाएगा बेटा? नहाना तो पड़ेगा, नहाना तो पड़ेगा। रोटी रोटी खाओ, पहले नहाओगे। चल बेटी नहा ले, पहले नहाएगा ना अभी, तो रोटी खाएगो पहले, तो रोटी खा ले फिर नहा लिए, ठीक है? भाई एक कहानी सुना हूँ, आपने पूरी सुनी हो और बहुत ही अच्छी कहानी है। और भाई मैं भाई एक बाबा, एक बाबा था गांव के बाहर, और उसने भाई मतलब एक बगीचा सा बना रखा आसपास में, तो बगीचा सा बना रखा और उस बगीचे में बना रखी एक कुटिया। तो बाबा बेचारा ध्यान में बैठ जाए, 15-15 दिन तक वो ध्यान में बैठा रहे, उन्हें ना बेरा लग गया। तो भाई वो बाबा मतलब पूरी भक्ति करता भगवान की, अच्छे से मतलब भक्ति करा करे वो। और फिर वो बैठ गया भाई, जब वो ध्यान में बैठा है तो उसको बेर होना कितना कितना दिन निकल गया, कदे 10 दिन, कदे 15 दिन, कदे 20 दिन, महीने महीने भी निकल जाओ बाबा ध्यान में बैठे। अब भाई ध्यान में बैठे तो अब कौन करे कुटिया की साफ सफाई? तो भाई उसमें ध्यान में बैठने के बाद मुझसे बन गए निरे, कुटिया में बाबा की में निरे मुझसे मुझसे हो गए। अभी बाबा मार कौन सके, बाबा का धर्म कौन है? जीव की हत्या करना, पाप करना बाबा का धर्म कौन है? अब धर्म भी निभाना पड़े। अब भाई बाबू जब भी ध्यान में बैठे तो चढ़ जाऊँ उसका सिर पर, कंधा पर, बाला में उसका मतलब डोले उसको ऊपर चढ़ती, बाबा जमा दुखी हो लिया करती। अरे भाई सोवे तो उसको ऊपर चढ़ जाऊँ किमी करा, मतलब इतनी ज़्यादा मुझसे हो गई बहुत ज़्यादा, बाबा को ऊपर चढ़ जाऊँ न्यू डोले सारी आऊँगे मुझसे बाहर भीतर। अब भाई ये करे बाबा भी दुखी हो लिया। अब इतने मैं एक छोरा आ गया, बोल रहा बाबा, बोल हाँ, मुन्ना ज्ञान दे बाबा, सब तक बड़ा ज्ञान दे दे, मुन्ना इतनी सब तक बड़ी विद्या सिखा दे बाबा, मैं भी बाबा बनना चाहूँ, मैं भी अपना कान फुड़वाना चाहूँ। बोल रहे ठीक से भाई। अब उस छोरे ने देखे निरे मुझसे मुझसे हो गई कुटिया में, अब उसने बेरा के बाबा मार कौन सके, ये तो बाबा का धर्म का खिलाफ से। अब भाई उसने के कही जाता जाता, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले एक बिल्ली पाल लेना है। बोले अच्छे बाबा, बाबा भी समझ गयो अब भाई बिल्ली पालनता है क्यों कह है। तो भाई ठीक से वो चले गए, बाबा ने एक बिल्ली पाल ली। अब वो भाई बिल्ली पाल ली तो बिल्ली ने तो 10-15 दिन में सारा मुस्सा खा लिया। अब भाई बिल्ली होगी भूखी, भूखी बैठी रहे। फिर आए वो छोरो, बोल रहे बाबा, बोल हाँ, एक तो तू मरण न हो रहा कती तेरे हाडी हाडी दिखे हैं, और एक यो बिलोड़ी, ये बिलोड़ी देख यो भूखी मरती मरेगी। बाबा न्यू कर ले, एक गाड़ी बांध ले, गौ बांध ले एक गौ माता, अरे उसका दूध दाद ब्या दी इसने। बोल रहे बस मैं तो ध्यान में बैठा रहूँ, कौन ध्यान करोगू को गाय को, कौन काम करोगू? मैं बैठ जाऊँ ध्यान में 15-15 दिन चल जाए, 15 दिन तक कौन संभाले गाड़ी में? बोले अच्छा भाई, यो बात भी भाई ठीक से। अब भाई एक कुटी में काम कराया करती बेचारी, झाड़ू काट जाया करती, पानी भर के दर जाया करती, जानिए कि भाई जिसका आदमी ना रहे वो तो दुखी रहे, बहुत ज़्यादा दुखिया रहे, उसने बिना आदमी क्या तो ज़िंदगी कैसे काटनी रहे है।
दुनिया ने तो ताने मारण में भरपूर हो, ताने तो इतने मार देगी दुनिया बस कोई ना, और कोई एक रुपया की भी मदद करे वो नहीं। तो भई फिर बाबा उसने सुन रही वो कुटिया के सारे खड़ी खड़ी दोनों की बात, बोली बाबा गाय को काम तो मैं कर दूंगी। बोल ठीक से भाई। बाबा ने गाय बांध दी। अब भाई उसने गाय बांध दी तो भाई बेचारी ने पूरा दिन काम करे, सारा दिन लग जाया न्यार लियाणू काटनू पीटनू गोबर गाबर दूध धार काटनू, भाई सारा दिन उठे लाग जा झाड़ू में कुटी में भारी झाड़ी काटनी सारो काम, मतलब बीरवाणी को बेचारी सुबह से लेकर शाम तक उठी हो जाए। अब भाई इससे की छोरी जब स्कूल जाती हो कॉलेज जाती हो और कोई बात बन जाओ छोटी मोटी तो दुनिया न्यू कहोगी क्यों छोरी भाई गैल गैर लाइन से चिंबालक हो ही मत ना गलत, फिर भी दुनिया न्यू कहोगी फलाना ही छोरी गलत से। तो भाई अब वो ही हो गया इसके साथ। गांव के एक दो लंगड़ बोले, बोल भाई वो सारे दिन कुटी में पड़ी रहे, सुबह जार शाम न घर आवे, इनको तो पूरा दिन कुटी में ही जाए थे। भाई ठीक भाई चलो बापा ने पिटा। अब भाई मिल के ऐसा चार पांच लंगड़ा ने और बाबू पीट दियो बढ़िया डाल कूट काट दियो। अब बाबू बेचारो पीट दियो तो बाबू तो के बोले। अब भाई गांव का ने कही बाबा ने क्यों पीटो के कारण, फिर बोलिया भाई ये बीरबाणी सारे दिन कुटी में पड़ी रहे है ये तो लक्षण ठीक कौन है। बोले भाई ये एक दो कमा कोई थो ऐसे बाद में बोले अरे भाई ऐसी बात से तो बोले इनका ब्याह करा दो, दोनों का ब्याह कर दो। अब भाई उन्हें तो दोनों को ब्याह करा दियो, ब्याह करा दियो तो फिर भाई अब बाबा तो माला ठावे जपे कदे कदे ठावे। अब भाई सारे दिन तो नोन मेरा घर परिवार घर गृहस्थी संभालने धर्म बाबा को, भाई गृह गृहस्थी में पड़ी गयो तो गृह गृहस्थी भी ना छोड़ सके, गृह गृहस्थी संभाले कि बाबो अपने मतलब ध्यान में बैठे। अब बाबा को छुट गयो थोड़ा ही दिन में वो माला खुट्टी कटेंगी, भाई खुट्टी कटाई थी वो माला। अब वो कई दिन पाछे वो छोरो फिर आयो, फिर आके बोलो बोले बाबा की बात माला मोड़ा खुट्टी कटांग दी। बाबा मैंने तो मतलब वो सीखना चाहो थो मैं और शिक्षा सब तो बड़ी पर बाबा तू तो धर दियो सब की मिठाए के। बोल रहे बाबा ने वो छोरा अच्छो कुट्यो। बोल तने शिक्षा देऊं सब तो बड़ी शिक्षा। बोल हाँ बाबा दे। बोल सब तो बड़ी यो शिक्षा से अगर बिल्ली कोई भूल कर भी मना पालियो। क्यों बाबा ने बिल्ली ना पाली होती तो वो गड़ में गड़गोटो ना गई। अर बाबा को ध्यान मंगना हो तो बाबा की वो छूटती भगती तो सब तो बड़ी बात ही हो, कही बाबा ने कोई बिल्ली बना पाली हो। तभी बनाऊंगी मैं कढ़ी और चावल, चावल मैंने साफ कर लिए हैं अच्छे से, इनको धो के फिर बनाऊंगी चावल और कढ़ी क्योंकि बच्चों के और बच्चों के पापा की आज यही डिमांड है कि चावल कढ़ी बना दो, उनके मन ला रही कसूती चावल कढ़ी की, तो आज हम सब चावल कढ़ी बनाएंगे और चावल कढ़ी खाएंगे। सो बना लेती हूँ गैस में कढ़ी और चावल, पानी में उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, पानी उबलेगा उसके बाद मैं बनाऊंगी कढ़ी। अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी, पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा जब उसमें डाल दूंगी चावल। ये देखिए मेरी चश्मा कैसी लग रही है, अच्छी लगी कि ना कमेंट में बताना जरूर। सो गैस चावल तो मैं रख आई हूँ चूल्हे पे, अब मैं बना रही हूँ प्याज लेके कढ़ी, सभी की डिमांड है। आज तो खाएंगे। सो गाइस आप सभी को भी चावल कढ़ी खाना है तो आ जाइयो, ठीक है। मैं बना रही चावल और कढ़ी, अभी मैं प्याज कटिंग कर लेती हूँ। कढ़ी के लिए बना रही हूँ पहले मैं पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी की कढ़ी ही बनाऊंगी। वैसी कढ़ी में ना टेस्ट आता तो है बट पकौड़ी की कढ़ी में बड़ा टेस्ट आएगा, उसके साथ पकौड़ी की कढ़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं बना लूँ पकौड़ी की पहले कढ़ी, पकौड़ी उतार लेती हूँ। चावल अधरंधे हो गए हैं, वो भी पक जाएंगे, अध पके हो चुके हैं और अभी पकने में टाइम नहीं लगेगा। कढ़ी के लिए घोल तैयार कर लेती हूँ फटाफट से, पकौड़ी उतार के फिर उसमें कढ़ी छोंक के डाल दूँगी, लास्ट में जब कढ़ी पक जाएगी पकौड़ी डाल दूँगी।
ये तो पक गए, इन्हें निकाल दूं पहले। प्लेट सुखाई से इनको निकाल लेती हूँ, बन गए पकौड़े। ये देखिएगा मेरे पकोड़े, खा लीजिए। अगर किसी को खाना है, मन में आ रही है तो चाव पकोड़े ले आऊं। यस, थोड़े से बनाए, ज्यादा ना बनाए मैं काम तो के। अभी खाए थे परसों पतले दिन तो बनाए थे पकोड़े, गुलगुले, खीर। आज इनके चावल की मन में आ रही है, इन्हें रोज चट्टे चाहिए बच्चों ने। अभी डाकले काट के आई थी दोपहर में 11 बजे, तो घर आई, बच्चों को नुआया धोआया, वही 12-1 बज गया। फिर शॉर्ट बनाया आज, तो पता नहीं क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक भी शॉर्ट अपलोड नहीं हुआ है मेरा। क्यों नहीं हुआ है, क्या चक्कर है ऐसा, क्यों अपलोड नहीं हो रहा है पता ना। देखती हूँ, हो जाते हैं शाम तक। क्या है कि नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रही है, नेटवर्क इश्यू है, इसलिए नहीं हो पा रहे। मैं चक तो लूँ कैसे बनाया पकौड़ा। कर लो, गया पकौड़े अच्छे बने, भूख लगा ली थोड़ा मंगल लगा। ये देखिएगा कढ़ी को, मतलब ठोकर तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें डालूंगी घोल किया हुआ है जो मैंने कढ़ी का, जो कि बेसन डाल कर घोला है, ऐसी तो मैं वो डाल दूंगी। बढ़िया से पकने दो, पहले तो सब कुछ पक जाएगा सारा मसाला। ये देखिएगा डाल दिया मैंने इसमें घोल भी, जो किया था मैंने कढ़ी के लिए तैयार घोल, वो डाल दिया है। पकौड़ी अभी रखी हुई है, इन्हें तोड़ कर फिर डालूंगी इसमें। सो गाइस, चावल तो बन चुके हैं हमारे, और अब कढ़ी बननी रह रही है, पकौड़े की कढ़ी बन रही है। ये देखिएगा दोनों में कढ़ी है, दोनों में चावल है, कढ़ी चावल लेके जा रहे हैं, और ड्यूटी वाले भी इस डोले में घी लेके जा रहे हैं, किसी ने मंगवाया है तो इनके पैक कर देती हूँ फटाफट से। तो गाइस चावल बना लिए, खा लिए, बाकड़ी ले ली, अब सिर पर बंटा ले लिया, और अब जा रहे हैं डाकड़े काटन। फिर मिलेंगे अपने शाम के, 3 बच्चों के इसलिए अब हम खेत में जाएंगे, शाम में मिलेंगे आपको 7 बजे, ठीक है। बस तो गाइस अभी आए हम खेत में से, दिन तो छिप गया है, और अब बनाएंगे रोटी। ये देखिएगा टाइम, दिन किस तरह छिप चुका है, अब रोटी बनाएंगे। दूध गर्म हो रहा है, रोटी राटी बना के फिर हो जाएंगे हम फ्री, और रोटी खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। बच्चा पार्टी भी हमारे साथ दाखले कटवा रहे थे, बहुत मदद कर रहे हैं हमारे बच्चे। ओले मेरे बच्चों को तो देखो, फाला भी हो गया, देखो बच्चा, ओहो सिट मी, ओ माय गॉड, ये देखो ये फाला हो गया, मैं बेटे को मेरे को भी हो गया, ये हो गया, अरे बच्चों को फल हो गया, अरे कर बेटे बांकड़ी तो डांगले कटवा रहे हमारे बच्चे। दिखा बच्चे तेरे को फल, दिखा तेरा, ओ ये रहा एक, हाँ एक ये रहा, एक ये रहा, दो फाले मेरी बेटी को हो गए। इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है, बहुत ज्यादा डांगले कटवाए हमारे। सो गाइस मैं बना रही हूँ अभी रोटी, और मेरा व्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को मेरी तरफ से अभी से एडवांस में।